दिल्ली से सटे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर में लूटपाट व आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसके विरोध में आज व्यापारी वर्ग सड़कों पर उतर आया और बाजार बंद कर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये नजारा बल्लभगढ़ के मुख्य बाजार स्थित घंटाघर चौक का है, जहां सभी व्यापारी लूटपाट और हत्या के प्रयास की घटनाओं के विरोध में धरना देकर बैठे हैं। काफी देर अधिकारियों का इंतजार करने के बाद व्यापारियों ने बाजार बंद करने का ऐलान कर दिया और सभी ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे और गुस्साए व्यापारियों को आश्वासन देकर शांत करवाया। व्यापारियों के प्रधान राहुल गोयल की माने तो 3 दिनों में लूटपाट और हत्या के प्रयास की 4 घटनाएं हो चुकी हैं और पुलिस चौकी के पास ही लगातार लूट जैसी घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। पुलिस है कि अपराधियों पर लगाम कसने में सक्रियता नहीं दिखा रही, जिसके चलते आए दिन अपराधी घटनाओं को अंजाम देकर बेखौफ बदमाश आसानी से फरार हो जाते हैं। भैया विचार इकट्ठे हुए हैं अपने, हमारे खिलाफ जो व्यापारियों के खिलाफ जो ये लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, इसके खिलाफ इससे त्रस्त होकर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमें कोई भी आश्वासन नहीं मिला। एसीपी साहब आए, उन्होंने हमारे पॉइंट नोट किए, उन्होंने कहा मैं करता हूँ, मुझे रात को चार्ज मिला है, एसएचओ साहब को रात को चार्ज मिला है, तो अभी हम मामले से अवगत नहीं है, अभी तो पॉइंट नोट कर रहे हैं। हमें कोई आश्वासन नहीं मिला कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उन्होंने गश्त के लिए हमें आश्वासन दिया है कि हम गश्त सुचारू रूप से करवाएंगे, दिन में भी रात को भी दोपहर में भी, एक गश्त का आश्वासन मिला, इसके अलावा हमें और कोई आश्वासन नहीं मिला। वहीं मौके पर पहुंचे सीएसपी बल्लभगढ़ मौजी राम का कहना था कि घटनाएं जरूर हुई हैं, लेकिन पुलिस इन सभी घटनाओं को जल्द ही सुलझा लेगी और अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, तो गश्त हम बढ़ाएंगे और जो सीसीटीवी कैमरा है उन पॉइंटों को चिन्हित करके हम सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे। जो 3 वारदात हुई है उनको भी हम सिर्फ ट्रेस आउट करेंगे। एसीपी साहब, चौकी से बहुत करीब वारदात हुई, एक 100 मीटर की दूरी पर, एक 50 की मीटर की दूरी पर, क्या माना जाए, क्या मानते हैं आप? ऐसा है, वारदात का कभी पता नहीं चलता किस टाइम वारदात हुई, लेकिन वारदात हुई है तो हम उसको ट्रेस आउट करेंगे और पुलिस की प्रेजेंस रखेंगे। बताया जा रहा है कि बल्लभगढ़ शहर में पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर भी 2 आपराधिक घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस है कि बेखौफ बदमाशों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। बहरहाल पुलिस प्रशासन अपराधियों पर लगाम कसने की बात कह रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि शहर में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर कब अंकुश लग पाता है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।